पूरे भारत में बड़े पैमाने पर नीट परीक्षा में गड़बड़ी का भंडाफोड़ होने के बाद बिहार झारखंड राज्य के छात्रों सहित कई कोचिंग क्लास के संचालक जांच के दायरे में आ गए हैं। इसी तरह गोंदिया जिले के कैरियर जोन के निदेशक रोहित झा को भी 4 साल पहले ऐसे ही दलाल का फोन आया था। वहीं उन्होंने आज गोंदिया में दावा किया कि उन्होंने परीक्षा में गड़बड़ी की बात कही थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। बिहार राज्य निवासी रोहित झा का गोंदिया शहर में कैरियर जोन नाम से कोचिंग क्लास है। विदर्भ से बड़ी संख्या में छात्र नीट और जेईई परीक्षा की तैयारी के लिए इस कोचिंग क्लास में प्रवेश लेते हैं। वर्तमान में पिछले 3-4 वर्षों से जिले में बड़ी संख्या में लगभग 60 से 70 विद्यार्थी मेडिकल में प्रवेश ले रहे हैं। निदेशक रोहित झा ने कहा कि कई विद्यार्थियों ने 600 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 4 साल पहले भी हमें दूसरे देशों में नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर ऐसे कॉल आए थे, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है। जैसा कि रोहित झा ने दावा किया है कि यह कहा जा सकता है कि नीट परीक्षा के संदर्भ में यह संदेह है कि पिछले कई वर्षों से इस परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन रोहित झा के बयानों से यह स्पष्ट है। हमारे यहाँ से जो बच्चे ने एग्जाम दिए हैं उसमें से करीब 40 बच्चे ऐसे हैं जो 720 में 600 के ऊपर स्कोर करे हैं। जेन्यून बच्चे हैं हमारे जितने भी हैं, एकदम पढ़ करके हाईएस्ट स्कोर 695 है। फ्रेशर का भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है, रिपीटर का भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है। और अगर देखें लास्ट ईयर का कट ऑफ डेटा देखें उसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में देखें तो करीब 70 लोग ऐसे होंगे जिसको MBBS या मतलब इसमें नंबर लग जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, ऐसा मुझे लगता है, चांसेस ऐसा है। रिजल्ट देखने के बाद जितना हमारा रिजल्ट रेशियो है ये देखने के बाद और भी क्षेत्र के लोग जो हैं हम तक संपर्क करेंगे। हाँ, ये हर बार ही ऐसा होता है कि ये नॉर्थ क्षेत्र में बिहार में हुआ, झारखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये सब क्षेत्र में कुछ अपने महाराष्ट्र के भी लोग हैं, ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं जो इस टाइप के लोग हैं जो बच्चों से पैसे के नाम पे ये सब चीज़ें करते हैं। इसमें मुझे लगता है पूरा तंत्र ही इन्वॉल्व है, कई सारे नेता भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, कई सारे मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होंगे, जो अधिकारी हैं वो भी इन्वॉल्व होंगे, और कुछ मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि कुछ कोचिंग वाले वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब इस मैटर में मैं क्या कहूँगा, मैं खुद बिहार का हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब कहीं ना कहीं लूपहोल निकाल लेते हैं और उसके वजह से ये सब चीज़ें होती है। तो अगर अधिकारी या कोई भी रिस्पेक्टिव बॉडी इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्टली काम करेंगे तो ये सब चीज़ें बंद होगी। ये दुखद है, थोड़ा दुख होता है मुझे ये बात सुनकर। ऐसे कुछ कॉल आए थे क्या आपको? अभी तुरंत में तो ऐसा कोई कॉल आया नहीं है, लेकिन एग्जाम से पहले या उससे पहले बहुत सारे ऐसे टाइप के लोग टकराते तो हैं ही मार्केट में। नहीं नहीं ऐसा तो मतलब उस क्षेत्र के इस बार कोई लोग ऐसे नहीं हैं, हम हमसे भी टकराए, लेकिन 3-4 साल पहले ऐसे लोग बहुत सारे लोग जो है हमसे संपर्क करने का प्रयास करते थे, लेकिन हम लोग ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। लेकिन वो ऐसे नॉर्मल एजेंट टाइप के व्यक्ति रहते हैं, अब वही है कि इंसान उसमें फंस जाए तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, फ्रॉड भी होते हैं बहुत सारे लोग। गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। फॉर्चून एक दंत आपके सपनों का घर, फॉर्चून इंफ्रा ग्रुप लेकर आए हैं आपके सपनों का घर। मौजा वेड़ाहारी में आउटर रिंग रोड से मात्र 300 मीटर की दूरी पर, 2.5 किलोमीटर फ्रॉम खापरी मेट्रो स्टेशन, 3 किलोमीटर फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 3 किलोमीटर फ्रॉम मिहान, 500 मीटर की दूरी पर पोदार इंटरनेशनल स्कूल, 2 किलोमीटर की दूरी पर वर्धा रोड और बीसा स्क्वायर। स्पेशल एमिनिटीज ट्री प्लांटेशन, सीमेंट रोड, ड्रेनेज लाइन, सिवरेज लाइन, वाटर सोर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, फेंसिंग टू इंटायर लेआउट एंड मेनी मोर फैसिलिटीज आर अवेलेबल। 80% बैंक फाइनेंस आल्सो अवेलेबल। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर कैलाश पटले, डायरेक्टर 8605673995, ऑफिस प्लॉट नंबर 7, सेकेंड फ्लोर, उत्कृष्ट सोसाइटी, नियर पूर्ति सुपर बाजार, बीसा रोड, नागपुर।